हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है प्याज के पकोड़े। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप बेसन। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून नमक, नमक कम या ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जितना ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है मैंने, 1 टीस्पून जितना चाट मसाला लिया है मैंने यहाँ पर, 2 टीस्पून अजवाइन, 2 खाने की चम्मच कसूरी मेथी ली है मैंने यहाँ पर, 2 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज ली है मैंने, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बेसन के साथ, और इस स्टेज पर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पानी। इस बैटर के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ सा हो चुका है, रेडी है। और यहाँ पर मैं स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 प्याज का इस्तेमाल किया है, और प्याज को बैटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारा जो बैटर है अब तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। पकौड़ों को मैंने यहाँ पर मीडियम हीट पर तला है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है बिल्कुल रेडी है। पकौड़ों को अच्छी तरह से टर्न कर लेना है और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन तल लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए रायते के साथ या केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी बने थे ये पकौड़े, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। ज़रूर आऊँगी नए रेसिपी के साथ। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।